नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दीक्षय और आप हैं मेरे साथ। और आज हम श्री सिद्धि विनायक मंदिर जा रहे हैं। इस बार हम मुंबई के आसपास सभी फेमस प्लेसेस हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे। श्री सिद्धि विनायक मंदिर दादर में प्रभा देवी में स्थित है और अभी मैं गोरेगांव में हूँ, तो यहाँ से मैं ऑटो पकड़कर रेलवे स्टेशन की तरफ जाऊँगा और फिर वहाँ से लोकल ट्रेन से दादर जाऊँगा। तो इस समय मैं MTNL सिग्नल पर हूँ, ये MTNL का चौराहा है और यहाँ से ऑटो, शेयरिंग ऑटो भी मिलते हैं स्टेशन के लिए। आज संडे है लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ गोरेगांव। पहुंच गए हम दादर स्टेशन पर, अभी हम लोग वेस्ट की तरफ जाएंगे, बाहर निकलते हैं। तो अभी मैं स्टेशन से बाहर आया हूं दादर पश्चिम की तरफ और यहां भी आप देख सकते हैं कि मार्केट लगी हुई है, भाजी मार्केट। तो यहाँ से बस या टैक्सी के द्वारा हम लोग श्री सिद्धि विनायक मंदिर जा सकते हैं। आज रविवार है तो बाजार में देख सकते हैं आपकी कितनी भीड़ है। दोस्तों, जैसे ही मैं दादर रेलवे स्टेशन से पश्चिम की तरफ बाहर आया तो बेस्ट की ये बसें मंदिर जाने के लिए खड़ी हुई थी। मैं अभी दादर रेलवे स्टेशन पश्चिम की तरफ आया हूँ तो यहाँ पर श्री सिद्धि विनायक मंदिर के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। तो देखिए उसी लाइन में लगा हूँ मैं बप्पा के दर्शन के लिए। तो फाइनली मैं रेलवे स्टेशन से बस में बैठ चुका हूँ श्री सिद्धि विनायक मंदिर के लिए। हाँ, एक बात और दोस्तों कि पैसे छुट्टे रखिए क्योंकि यहाँ से सिर्फ 6 रुपये लगते हैं। श्री सिद्धि विनायक मंदिर दर्शन के लिए सुबह 5:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुला रहता है। तो बस ने हमें ड्रॉप कर दिया है मंदिर से कुछ ही दूरी पर, तो यहाँ से केवल 5 मिनट की दूरी पर ये मंदिर का रास्ता है और 5 मिनट चलने पर मंदिर का गेट है। सामने मंदिर का गेट दिखाई दे रहा है। श्री सिद्धि विनायक भगवान गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है। मंदिर में प्रवेश करने के 2 गेट हैं, एक रिद्धि द्वार है और एक सिद्धि द्वार। तो हम लोग रिद्धि द्वार के ऊपर हैं, तो चलिए चलते हैं। रिद्धि द्वार से अंदर आया हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉशरूम की भी व्यवस्था है। दत्ता, साथ में ही हम लोग निःशुल्क अपने जूते यहाँ पे रख सकते हैं। थैंक यू। तो अभी हम लोग लाइन में लग गए हैं, तो देखते हैं कि कितना समय लगेगा बप्पा के दर्शन के लिए। गणपति बप्पा मौर्या। काफ़ी लंबी लाइन है, आज रविवार है, वीकेंड्स पर और मंगलवार संकष्टी के दिन काफ़ी भीड़ होती है। ये मंदिर भारत में नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। देश के कई बड़े सेलिब्रिटी भी बप्पा से फरियाद करने आते हैं। माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से मनोकामना करता है, श्री सिद्धि विनायक उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर गणेश जी की सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई है
और ऐसे मंदिर सिद्ध पीठ माने जाते हैं, इसीलिए इस मंदिर को श्री सिद्धि विनायक मंदिर कहा जाता है। एक बात और है कि यहाँ पर गणेश जी की दोनों पत्नियाँ रिद्धि और सिद्धि भी साथ में हैं। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में लगने वाली धन राशि एक महिला किसान ने दी थी। कहा जाता है कि उस महिला की कोई संतान नहीं थी। उस महिला ने बप्पा के मंदिर के निर्माण के लिए मदद करने की इच्छा जताई थी। वो चाहती थी कि मंदिर में आकर भगवान के आशीर्वाद पाकर कोई महिला बांझ ना रहे, सबको संतान प्राप्ति हो। मंदिर की एक और विशेषता ये है कि इस मंदिर के द्वार सभी धर्मों के लोगों के लिए खुले रहते हैं। वीकेंड्स पर और मंगलवार के दिन काफी भीड़ रहती है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं दर्शन करने के लिए और अच्छे से दर्शन हो गए बप्पा के, तो चलिए चलते हैं। अभी हम लोगों ने महाप्रसाद भी ले लिया है। यहाँ पे 20 रुपए में 2 लड्डू मिलते हैं। मेरे पीछे ये काउंटर देख सकते हैं आप, यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। दोस्तों मैं दर्शन करके अभी मंदिर से बाहर आ गया हूँ। ये सिद्धि द्वार है जहाँ से मैं बाहर आया, तो चलिए चलते हैं अगले सफर की ओर।